चौवें के शुभ अवसर पर आज पूरे ये वजीरगंज विधानसभा के आज कलकत्ता ने एक मतलब माहौल पैदा यहाँ पर किया, माहौल बनाया कि हम लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ। ये नहीं, यहाँ पर कोई बड़ा नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है, जमीन से जुड़े हुए हैं और सब यहाँ पर मतलब है कि एक साथ, चाहे बाघ हो या बकरी हो, सब एक साथ एक पंगत में खाएंगे। हम लोग को तो बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की पार्टी है, वैसी बात नहीं है। आरएसएस ऐसी पार्टी है कि गरीब से गरीब जो अंतिम पंगत में है उसको भी एक साथ ला करके पत्तल पर प्रेस करके खाना खिलाती है, यही मेरा परंपरा है। अच्छा, आज का जो परिवेश बदल रहा है, ये सीटों का जो बंटवारा हुआ है, तो आप दिल्ली में रहते हैं, क्या उसमें आ रहा है? ये बड़का बड़का बैठल है, इस सीटों से जो बंटवारा हुआ है उससे वो नाराजगी उनमें नजर आ रही है। तो ये भी अब क्या नाराजगी आ रहा है उनका में, क्या चल रहा है? वो कभी सोनिया से मिलते हैं, कभी राहुल से मिलते हैं, कभी शरद यादव से मिल लेते हैं जाकर के, उनको तो मिलने वाला काम चला रहा है एक तरफ से, तो सबसे मिले है ना। हम लोग ऐसा नहीं ना है, हम लोग तो एक साथ रहने वाला है। एक चीज़ का अगर हमने पकड़ लिया है कि मतलब है कि लाठी मेरा है तो है, और चारों तरफ चल रहे हैं, कभी उन्हें कभी उन्हें कभी तेज प्रताप से भी जा करके मिलते हैं। और लालू जी की भी आज पेपर में देख रहे थे कि उनको भी हालत बड़ी चल रहा है दयनीय, कि भगवान करे कि भगवान का इनका दिन है, उनको भी कम से कम अच्छा रखे। वर्तमान परिस्थिति में राजनीतिक माहौल का तो चर्चा होगा, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव भी है, गठबंधन महागठबंधन का दौर चल रहा है, तो राजनीतिक चर्चा तो होगी। चर्चा सब इस तरह की चर्चा है, 17, 17 और 6, ये केंद्र की चर्चा है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी कहाँ अपने आप को आंक रहे हैं, अरुण जी कहाँ अपने आप को आंक रहे हैं, क्या इस मुद्दे पर बात होगी कुछ? नहीं, जब 32 सीट में जो है 22 सीट हम जीते हुए हैं, और उसके अलावे जब 17-17 पर हम आए हैं, तो फिर किसी को इसमें नाराजगी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। जब स्वयं जो है हम 17 सीट छोड़ सकते हैं किसी के लिए, तो जो भी राजनीतिक दल हमारे गठबंधन हैं, हमारे घटक दल हैं, उनको तो एक तरह से 100% मिल रहा है, जितना सीट उनके पास में है उनका उनको मिल रहा है। इसमें तो लॉस तो भारतीय जनता पार्टी का है, अन्य दल किसी का तो लॉस है नहीं, इसीलिए नाराजगी की तो कहीं कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि विरोधी दल जो है इसका एक माहौल बनाने में लगे हुए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी मेरे पास आ जाएं, अरुण जी जो है हमारे पास आ जाएं। ये अभी बिहार के वर्तमान परिस्थिति में जो है कांग्रेस और आरजेडी के लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम इस ये गठबंधन के तुलना में हम कहीं कुछ नहीं हैं, नाम तो महागठबंधन है लेकिन हैं कहीं नहीं। अगर फलना आ जाएंगे तो जो है हम भारी हो जाएंगे, और लोग आ जाएंगे तो हम भारी हो जाएंगे, इसकी प्रयास हो रही है। बाकी हम लोग एकजुट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में कहा जा रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी भी संतुष्ट हैं, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा त्याग किया है, और समय और परिस्थिति के हिसाब से जब देश हित में कोई बड़ा काम होना हो, और जहाँ नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हों, वहाँ फिर किसी दल को कहने की कोई बात नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि बहुत ईमानदार आदमी वहाँ बैठा हुआ है, और वो सबके बारे में चिंता करते हैं, सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं, इसके लिए कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। हाँ, नाराज़गी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। अरुण जी में तो नाराज़गी है, सांसद अरुण जी में नहीं, हमें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, नाराजगी उनको नरेंद्र मोदी जी से नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी से नहीं, नाराजगी सीट को लेकर हमारे किसी घटक दल से उनको हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, उनसे वो संतुष्ट है। बिहार के वर्तमान परिस्थिति में उनको किसी व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी नहीं हो सकता है। मान लिया हमारे बीच में आपके बीच में कोई जो है मनमुटाव हो सकता है, लेकिन दल से और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो किन्हीं से कोई नाराजगी अरुण जी का नहीं है। आगे का क्या रणनीति बनाई जा रही है? आगे का रणनीति है कि हम लोग चुनाव के मैदान में उतरेंगे, लड़ेंगे, फिर हम सरकार बनाएंगे, बिहार में 100% सीट हम जीतेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है।
और हम ईमानदारी से जो है काम करते हैं जनता के बीच में। ये भी नहीं है कि कांग्रेस की तरह हमारे किसी मंत्री या कोई एमपी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। कांग्रेस के शासन काल में जो भ्रष्टाचार का जो गंगा बहा, उस तुलना में आप क्या नरेंद्र मोदी को देखते हैं? कहाँ देख रहे हैं, कहाँ खोज रहे हैं? आप देखिए, हम तो सीने ठोक करके जो है जनता की अदालत में हैं कि हम जो है ईमानदारी से काम किए हैं और जनता इस चीज़ को जाने कि अन्य दल और भारतीय जनता पार्टी में क्या अंतर है। चाल चरित्र और चेहरा की जब बात करते हैं, क्या अंतर है? आप देखिए, समीक्षा कीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत है और जनता की अदालत में ही लोकसभा और राम जन्मभूमि का फैसला होगा, कोई सुप्रीम कोर्ट और सरकार में फैसला नहीं होगा। सबसे बड़ी जनता की अदालत है और वहीं फैसला होगा। क्या और उसके लिए हम लोग जो है तैयार हैं, विश्व हिंदू परिषद तैयार है, साधु संत तैयार है, देश की जनता तैयार है, हम जो है उसका मुकाबला करेंगे, दिसंबर से लेकर जनवरी तक फैसला कर लेंगे। ठीक, दोनों जगह आप ही की सरकार है तो फिर इसीलिए तो हम निश्चिंत हैं कि मंदिर बनेगी, इसीलिए हम निश्चिंत हैं, देर से आएंगे दुरुस्त आएंगे। हाँ तो सब मंगवा, धोती मंगवा दियो। आ जाइए 3 बजे तक। भारतीय संस्कृति के अनुसार से आज के दिन हम लोग आंवला के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर, ये परंपरा सदियों से चला रहा है, सनातन धर्म में सदियों से चला रहा है, क्योंकि आंवला ऐसा चीज़ है जो मानव के जिंदा रहने के लिए वो इतना औषधीय गुण है कि उसकी हम लोग पूजा करते हैं और यह एक उसके सम्मान देने के लिए कम से कम वर्ष में एक दिन उसके पेड़ के नीचे खाना बनाने का परंपरा हम लोग सनातन धर्म से चला रहे हैं। उस सनातन वैज्ञानिक खोज का हम लोग जिंदा रखने के लिए उसको आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसी एकत्रीकरण में हम लोग आगे के 2019 के विषय पर सब लोग मंथन भी कर रहे हैं कि किस तरह से समाज में कार्य किया जाए। आज जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस बार 2019 का भ्रष्टाचार के से मुक्त भारत का दूसरी लड़ाई होने वाली है, यह भी एक स्वतंत्रता आंदोलन से के ही समान लड़ाई है जो भ्रष्टाचारियों विरुद्ध के विरुद्ध लड़ा जाएगा और आगे का यह कार्यक्रम है। उसके बाद हमारे साथ जो सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर मामला विलम्ब से नहीं सुना जा रहा है, 100 करोड़ हिंदुओं का जो उपेक्षा की जा रही है, उनकी भावनाओं का कद्र नहीं किया जा रहा है, उस पर भी हम लोग के आपस में चर्चा हुई है और हम लोग 9 दिसंबर को गांधी मैदान गया में जमा होकर उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को जब 12 बजे में आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, उसके बात सुनने के लिए 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट जब खुल सकती है तो 100 करोड़ हिंदुओं की भावना की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए क्या आप इस तरह से सुनवाई के डेट को टालना। सब लोगों को बैठाइए। एक परिवार को 35 जंगल में वनवासी लोग तेंदुआ पत्ता वहां से जितना आप लाइए तोड़ करके, सरकारी वहां पर हाट लगा हुआ है, हर एक बाजार में सरकारी शासन